मधुपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में नकाबपोश अपराधियों के द्वारा एक घर में घुसकर हथियार के बल पर बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना मधुपुर थाना के रामपुर निवासी पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर में की गई है। घटना में 3 मोबाइल और आभूषण समेत 1,00,000 रुपए की मूल्य की सामान की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 12:10 की संख्या में अपराधी भागीरथ झा के घर के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और इसके पुत्र को पिस्टल के नोक पर रस्सी से बांधकर लूटपाट कर फरार हो गया। इसके बाद घर के बाकी सदस्यों को इसकी भनक लगी। घटना के बाद सूचना मिलते ही मधुपुर थाना पुलिस और थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल जांच में जुट गए। वहीं घटना स्थल से कुछ ही दूर पर बम बनाने की सामग्री, शराब की खाली बोतलें समेत अन्य सामान बरामद होने की जानकारी मिलती है। सूचना पाते ही बेनीपट्टी SDPO नेहा कुमारी रामपुर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत कुछ कहा जा सकता है। वैसे टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। पूर्व की तरह इस बार भी घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में नेपाल के अपराधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लाइनर भी है, इसलिए जल्द ही पुलिस अपराधी तक पहुँच बना सकती है और उद्भेदन भी किया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2014 में भी भागीरथ झा के घर में भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें भारी नुकसान के साथ कुल्हाड़ी के वार से घायल कर दिया गया था। इसके 9 साल बाद फिर उसी घटना को दोहराने की कोशिश की गई है। बहरहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हमारे साथ गृहस्वामी भागीरथ झा जी हैं, बताएंगे रात में क्या हुआ था। रात में बटवा हमारा हल्ला किया, माँ उसका घर बाहर से बंद कर दिया हुआ था। उसके बाद उसको खोला तो खोलने के बाद वही बताया तो रात में जो घटना हुई, भीतरे हुई, हम दरवाजे वाले घर पर थे और उसके बाद तो हम उठे हैं तो वही सब तो सुनाया तो सुने जैसे जैसे सबके साथ घटना हुई। मतलब घटना जिस क्रम में हुई थी उसकी आपको भनक नहीं लगी? नहीं, घटना होने के बाद आपको पता चला? बाद में जब चला गया था वो सबको घर में बंद करके उसके बाद। अच्छा, 2014 में आपके यहाँ एक बार और डकैती हो चुकी है, 2023 में फिर उसी तरह की डकैती की पुनरावृत्ति हुई है। क्या लगता है आपको, किसी के निशाने पर हैं? ये तो हम नहीं बता रहे तो उसके पेट में क्या बात है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। उस बार भी हम यही कहे थे, अभी भी यही कहे जी। अब इसके अंदर क्या है छुपा हुआ हमसे क्या कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के की जो सजगता बताई जा रही है उस पर आपका क्या कहना है कि पुलिस क्या वास्तव में जिस तरह की बात कही जा रही है उस तरह से पुलिस ड्यूटी कर रही है? पुलिस की ड्यूटी तो इधर नहीं होती है, लेकिन चौकीदार वगैरह तो आते हैं इसमें तो। कल आए थे? हाँ, कल भी आए थे। 12 बजे तक आते हैं, 12 बजे के बाद चले जाते हैं। अब घटना 12 बजे के बाद हुई। घटना लगभग कितने बजे की है? करीब हमको 12:30 के बाद हुई है, 1 बजे में हुई होगी। इसलिए जो चूँकि 1 बजे तक तो लोग करके चला गया था तब ना उसको उठा, तो हम 1:38 में तो हम फोन किए तो यही है 1:30 बजे में। अच्छा, आप थाना को फ़ोन किए, उसके कितने देर के बाद थाना यहाँ पर पहुँची थी? थाना को हम फोन डायरेक्ट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था, तो हम इनको किए थे नरेंद्र झा को, उनको वही वहाँ से उन लोगों को कवर किया। उसके बाद चौकीदार सब भी था उधर, अभी वाला सब था गाँव में, उधर से आया सब हुआ। अच्छा, लगभग कितने के सामान ले गए होंगे डकैत अपने साथ यहाँ से, या नकद वगैरह? संपत्ति की बात करें तो अनुमानित एक कितना का ले गए होंगे? कितना का देखिए, अब दो मोबाइलें ले गया दोनों का जी। उसके अलावा बाद मैंने हमारी पुतोह के पास तो कुछ साथ सब ले गया, और चीज तो ले नहीं गया है, तो वही जो हो अब 1,00,000 का होगी जितना का हो। अच्छा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आप प्रशासन से? अब देखिए, हमको हमारा तो जो चला गया तो चला ही गया है। प्रशासन से यही करेंगे जो मैंने क्राइम जितना बढ़ रहा है इस इलाके में, उस क्राइम को कंट्रोल करने की इन लोगों की जवाबदेही जो करना चाहिए जी है। नहीं तो फिर हमारे साथ जो घटना हुई दूसरे साथ भी होगी, तीसरे साथ भी लगातार इस तरह की घटना यहाँ होती रहती है। तो उधर में भी हमारे साथ हुआ था, अभी 23 में हो रहा है, तो यह सामाजिक तत्व उनके द्वारा ही किया जाता है। तत्व सब यहाँ पर अपना है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, यही हमारा कहना होगा। नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम भागीरथ झा। 9-10 आदमी कट्टा लेके आया था, बंदूक लेके आया था, और सोए में घर में एंट्री किया है छबरदेवाली तरफ के। उसके बाद हम लोगों को बांध दिया है, बांधने के बाद बंदूक सटा के बोलता है घर सब खुलवाओ, घर खुलवा दिए। उसके बाद सब सामान सब ले गया, चोरी वोरी किया, मारपीट बोले एक दो बार तो हाथ साथ चलाया, उसके बाद नहीं कुछ किया। अच्छा, घटना लगभग कितने बजे की है? 1:45 बजे।
पौने एक बजे वो लोग प्रवेश कर गए थे। हाँ हाँ, वो साढ़े बारह बजे इंट्री था, हमको पता लगा पौने के। अच्छा, वो लोग घुसे तो सबसे पहले आपको ही बंधक बनाया? नहीं, वो लोग पहले सब घर में एंट्री करके छानबीन कर रहे थे, तब लास्ट में हमारे घर में पहुँचे। अच्छा, उससे पहले सब घरों में घुस? जी जी जी, घर में अपना सहनाश करके सब कुछ तोड़ फाड़ के ले लिया, सामान वगैरह देख रहे थे। उसके बाद भाभी के रूम नहीं खुल रहा था, तो तब हमको बंदूक सटा के और बांध के बोला बोलना नहीं है। जी मैम, बताएंगे अभी जो ये घटना हुई है रात को। घटनास्थल के को देखने से ऐसा लग रहा है जो घटना हुई है इसमें बलपूर्वक, जैसावादी द्वारा बताया गया कि उनको बंधक बना करके हाथ पैर बांध दिया गया था, उसके बाद घटना की गई। और घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व की जो घटनाएं होती रही है उसी की तरह घटना किया गया है। और घटनास्थल से कुछ दूरी बगीचा में जो बम बनाने की सामग्री बरामद हुआ है, जैसे काटी, टेप, तो इसे लग रहा है कि इस घटना में पूर्व की भांति जो टीम एक्टिव रही है, नेपाली टीम, उन्हीं का हाथ अभी देखने से पता चल रहा है। और लेकिन इसमें किसी लोकल आदमी के इन्वॉल्व होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मैडम, 7 सितंबर 2014 को इसी घर में डकैती हुई थी, उसके 9 साल बाद ठीक एक बार पुनः डकैती हुई है। यहाँ जो परिजन हैं, जो गृह स्वामी हैं, वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ के लिए? ये गश्ती वगैरह तो टाइमली होता ही रहता है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लाइनर हैं वो जो गश्ती का बीच का टाइमिंग है उसका लाभ उठा करके लाइनिंग देख करके और इस तरह की घटना करवा दे रहे हैं। और जो ये घटना हुई है, मैं आप लोगों को एश्योर कराना चाहती हूँ कि बहुत जल्द इसको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, जितने भी लोग शामिल है गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।